हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गवर्नेंस रिव्यू। आज हम आपके लिए एडिटोरियल डिस्कशन तो लाए हैं, साथ में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले कल जो क्वेश्चंस हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडिटोरियल से रिलेटेड दिए थे उनका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो कल और परसों दोनों दिन के हम जो है इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोटेबल फॉर नॉट साइनिंग द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के रिगार्डिंग जो आर्टिकल आया था उससे रिलेटेड है कि कौन सी कंट्री जो है जिन्होंने जो है साइन नहीं किया है ये कन्वेंशन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है, कनाडा, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। तो इसमें बता दें कनाडा ने भी साइन कर रखा है, जर्मनी, जापान, फ्रांस इन चारों ने ही ये साइन कर रखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, सिंगापुर एंड चाइना। तो ये बिल्कुल सही है, इन चारों में से किसी ने भी जो है ये कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ है। एक बार को सिंगापुर लग सकता है डाउटफुल, लेकिन ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड इसराइल, ये हो सकता है कंफ्यूज कर देता, लेकिन इसमें बता दें कि अफगानिस्तान ने ये जो है कन्वेंशन साइन कर रखी है, बाकी तीनों ने नहीं कर रखी। उसके बाद नाटो मेंबर्स एंड यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, तो ऐसा नहीं है कि सभी नाटो मेंबर्स ने या यूएन के मेंबर्स ने जो है साइन कन्वेंशन नहीं कर रखे, कुछ ने कर रखे है कुछ ने नहीं कर रखे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द जेद्दाह कॉन्फ्रेंस ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। ये जो रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर के इन दोनों के बीच में टॉक और जो कंसिलिएशन की बात चल रही है उसके रिगार्डिंग जो ये जेद्दाह कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें यूक्रेन ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना, इंडिया, कुछ साउथ जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं उसकी कंट्रीज ने बात की थी, यूरो जो नाटो है उसके मेंबर्स थे कुछ, और यहाँ पे रशिया भी जो है, रशिया जो है वो पार्ट नहीं, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, यूक्रेन ने किया था, रशिया ने नहीं किया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द टर्म डिफ्लेशन इन इकोनॉमिक्स। तो डिफ्लेशन को बताना है कौन सा टर्म डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन है अ टेम्परेरी स्लोइंग ऑफ द पेस ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये होता है डिस इन्फ्लेशन। तो ये डिस इन्फ्लेशन है जब जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो स्लो हो जाए। द साइमल्टेनियस अपीयरेंस इन एन इकोनॉमी ऑफ स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड राइजिंग प्राइसेस। तो इसको एक स्पेशल टर्म दिया जाता है, आपने सुना भी हो इकोनॉमिक्स में, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है, ग्रोथ जो है वो स्लो रहती है और प्राइसेस हाई रहते हैं। थर्ड ऑप्शन अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग डाउन टर्न इन एन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसको तो रिसेशन बोलते हैं, ये तो ज्यादातर को पता ही होगा। फिर लास्ट ऑप्शन है जनरल डिक्लाइन इन प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, ये बिल्कुल करेक्ट है डेफिनेशन डिफ्लेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वाड्रेनियल टाइगर सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया। जो टाइगर रिपोर्ट क्वाड्रेनियल सेंसस किया जाता है उसकी रिपोर्ट कौन बनाता है, तो इसमें आपको ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड एंड ग्रीन पीस, तो ये तो नहीं है, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी नहीं, ये रिपोर्ट पेश करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, तो ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जो है वो बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की तरफ। जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि सेंटर सीक्स टू ओवरहॉल द ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज, जो IPC और जो CRPC है उसमें कुछ चेंजेस जो है वो लाने के लिए बात की गई है। तो यहाँ पे अलीगेसी गो जिसको टाइटल भी दिया गया, द गवर्नमेंट सेज ओवरऑल ऑफ द ब्रिटिश एरा कोर्ट्स विल मेक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिटीजन फ्रेंडली। जो की चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि जो इंडियन पिनल कोड 1860 है उसको रिप्लेस करके जो है भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को जो है बदल, उसकी जगह पे क्या ला रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है उसकी जगह वो रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य के द्वारा। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सिडिशन लॉ जो है इसमें रिपील कर दिया गया, बट सेक्शन 150 जो है भारतीय नागरिक संहिता का, इट डील्स विद द ऑफेंस, इट डज नॉट यूज टर्म सिडिशन बट डिस्क्राइब्स द ऑफेंस एज एंडेंजरिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो सिडिशन का नाम बदल के क्या कर दिया है, एंडेंजरिंग सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है इसको प्रोविजन को इसको चेंज किया गया है। और भी कुछ की प्रोविजन जो चेंज किए गए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आर्टिकल और है इस पे अभी। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार। मेन मेन तो आपको बता दिया कि इसमें जो है नाम पहले तो चेंज किया, कुछ और प्रोविजन भी जो है इसमें चेंज किए वो आगे डिस्कस करते हैं।
और क्या इम्पोर्टेंट, हाँ, डेमोलिशन ड्राइव इन नूह हरियाणा गवर्नमेंट डिसमिसेस एथनिक क्लिनजिंग चार्जेस। जो एथनिक क्लिनजिंग के लिए क्वेश्चन पूछा था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने, तो जो गवर्नमेंट है उसने उसको डिसमिस किया है कि जो चार्जेस उस पे लगे हैं उनको डिसमिस किया है। एंड गवर्नमेंट हैड क्लेम दैट इट वाज डेमोलिशिंग इलीगली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स फॉलोइंग कम्युनल वायलेंस अर्लियर दिस वीक। हाई कोर्ट हैड टेकन सुओ मोटो कोगनी एंड हॉल्टेड द डेमोलिशन ड्राइव। ये तो हमें पता है कि जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है उसने सुओ मोटो कोगनीजेंस पे जो है ये डेमोलिशन जो ड्राइव चल रही थी उसको हॉल्ट किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रशिया ने जो है लूना 25 जो है वो लॉन्च किया है, और ये चंद्रयान क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है हम लॉन्च कर चुके हैं तो ये उसको इम्पैक्ट करेगा या नहीं। तो रशियन स्पेस एजेंसी ने क्लियर किया कि इट विल नॉट अफेक्ट चंद्रयान 3, क्योंकि जो दोनों ही है वो अलग अलग जगह जो है उनकी लैंडिंग एरिया जो है प्लान किए गए हैं। लूना 25 एंड चंद्रयान 3 हैव डिफरेंट लैंडिंग एरियाज। दूसरा जो लूनार लैंडर है इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रीच द मून ऑन द अगस्त 23। और आपको पता होगा कि हमारा भी एक्सपेक्टेड डेट यही है जब हम चंद्रयान 3 को जो है लैंड करना चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, तो लूना 25 को एक तो याद रखें रशियन लूनार वो है मिशन, और अभी जो 6 एक्टिव लूनार ऑर्बिटर्स हैं उनमें से करंटली सिर्फ जो रोवर चाइना का है यूटू 2 रोवर, और ये किसने लॉन्च किया था, चांग E4 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, विच ऑपरेट्स ऑन द फार साइड। ठीक है ना, सिर्फ यही जो है अभी वहां पे ऑपरेट कर रहा है 6 में से। ठीक है, फिर एक यहाँ पे उसकी भी बात की है, इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन की बात की है जिसमें रशिया ने कहा कि इंडिया इसका पार्ट बन सकता है, इसरो को कहा है। एंड द ILRS इज अ प्लांड लूनार बेस करंटली परसुएडेड बाय रोसकोमोस। रोसकोस्मोस ये पता है आपको रशियन एजेंसी है स्पेस एजेंसी, एंड द चाइनीज स्पेस एजेंसी, तो ये इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया को भी यहाँ पे इन्वाइट किया कि आप भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज NGT 2 ओडिशा स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर ताम्पारा लेक। तो ताम्पारा लेक आपको पता होना चाहिए ये डेजिग्नेटेड रामसर साइट है, और ये कहाँ पे, ये ओडिशा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल को देख लेते हैं। तो एडिटोरियल हालांकि इतने आए नहीं है, पहला एडिटोरियल पैटी बैटल द डिबेट इन पार्लियामेंट इन लिटिल टू कंट्रीब्यूट टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर। जो मणिपुर में पीस प्रोसेस चल रहा है उसके लिए जो डिबेट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ उससे इफेक्ट नहीं देखने को मिला। ठीक है, कार्टल पॉलिटिक्स यहाँ पे जो जो इक्वाडोर में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनका जो मर्डर हो गया उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑथर ने बताया है। तो एक्चुअली ऑथर ये ने साइड किया, इट इज दिस रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सीम टू हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। जो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे वो एक्चुअली अगेंस्ट थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, और जो ड्रग वहां पे जो ट्रैफिकिंग होती है उसके अगेंस्ट थे, तो इसलिए ऑथर ने कहा कि उनको अपनी लाइफ दे के ही मतलब एक तरह से इशू को उन्होंने हाईलाइट किया तो उनकी जान चली गई। और फिर ऑथर ने भी कहा, इफ इक्वाडोर्स पॉलिटिशियन एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू लेट क्रिमिनल गैंग्स हैव देयर वे इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द कंट्री बिकम्स अ फेल्ड स्टेट। तो फेल्ड स्टेट हो जाएगी अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कंट्रोल नहीं किया गया, बढ़ावा किया गया इक्वाडोर के द्वारा। ठीक है ना, और बिगर मैसेज जो है ये मर्डर जो हुआ है इक्वाडोर में पॉलिटिकल एक तरह से इसको मर्डर आप बोलेंगे, दैट इक्वाडोर शुड स्टार्ट एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग वॉर अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम्स, अदर कंट्रीज इन अमेरिका शुड ऑफर ए हेल्पिंग हैंड टू क्विटो इन दिस बैटल। की जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी इसमें हेल्प, तो आपको याद रखना है कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन डेमोलिशन राज द हाई कोर्ट एज अ बीकन। तो जो एक्शन सुओ मोटो कोग्निजेंस लिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके चलते हुए आर्टिकल जो है ऑथर ने लिखा है, और उसमें ऑथर ने कहा कि कोर्ट्स को मतलब जो हाई कोर्ट्स है उनको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और उनको इस तरीके के ये जो स्टार्टिंग हुई है उस तरीके के और एक्शन जो है वो करने की जरूरत है, ऑथर ने ये कहा है। बाकी क्या डिस्कस किया एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है ये किया है कि इस तरीके जो एक्शन है उससे सिर्फ आप हाउस ये डेमोलिशन जो ड्राइव चल रही है उससे आप सिर्फ उसको डेमोलिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक तरह से जो राइटर्स हैं उनके आपने हाउसेज डेमोलिश कर दी और आप एक मैसेज दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो रूल ऑफ लॉ है वो भी डेमोलिश हो रहा है। मोस्ट नोटेबली आर्टिकल 14 एनश्राइंग द इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि जो सेलेक्टिव एक डेमोलिशन ड्राइव चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में एनश्राइंड है वो भी अफेक्ट हो रही है। तो ऑथर ने ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो भी डेमोलिश हो रहा है, ऑथर ने यहाँ पे कंसर्न साइट की है। ऑथर ने ये भी कहा कि जो कोर्ट्स हैं उनको उन्होंने जो पीछे जो डेमोलिशन ड्राइव हुई है और स्टेट्स में जो पहले हुई है इससे पहले उनसे पहले जो कोर्ट्स थे उनको जो क्वेश्चंस एसेंशियल आस्क करने चाहिए थे वो ये भी थे कि व्हाई आर यू टारगेटिंग वन कम्युनिटी, की ये सारे के सारे जो डेमोलिशन ड्राइव आप
बोल रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वाई इज इट ओनली दीज हाउसेज व्हेन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, कि इसके अलावा भी बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, उनपे क्यों नहीं एक्शन हुआ। तीसरा, वाई द क्विक स्पीड डेमोलिशन, कि इतनी स्पीड से अब कैसे डेमोलिशन हो गया जो इतने टाइम से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको आप इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। व्हाट हैपन टू नोटिस एंड इंक्वायरी, और जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना था उसका क्या रहा, कि आपने नोटिस सर्व किया या नहीं किया, प्रॉपर इंक्वायरी की या नहीं की। फिर ऑथर ने यह भी कहा कि ये जो हार्ड एक्शन, ये जो हार्ड क्वेश्चन हमने ऊपर बताए हैं, इनके बाद अगर इनके आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलते हैं तो उनके अगेंस्ट हार्ड एक्शंस भी होने चाहिए थे। और हार्ड एक्शंस में ऑथर ने जो सजेस्ट किया वो ये है कि रीबिल्ड हाउस है, जो आपने हाउस डेमोलिश किए हैं क्या आपने उनको रीबिल्ड किया, उनको रीबिल्ड कीजिए। पे इंटरिम कंपनसेशन टू दोज अफेक्टेड, जो इससे अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि सिर्फ राइटर ही इससे अफेक्ट नहीं हुआ है, जो उसकी फैमिली उससे रिलेटेड है वो भी उससे अफेक्ट हुए, तो उनको कंपनसेट किया क्या आपने, इंटरिम कंपनसेशन पे कीजिए। टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल डेमोलिशर्स, जो ऑफिशियल डेमोलिशर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट क्या आपने एक्शन लिया है। इफ दैट हैड बीन डन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, अगर ये पहले ही कर दिया होता, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स वुड बी वेरी, तो जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स उसके बाद में फॉलो करा है जिन्होंने, तो शायद ये सिचुएशन आज ना आती है, ऐसा ऑथर ने जहाँ पे जो है कंसर्न जताया और बताया है। तो ऑथर ने यह भी कहा है, एवरी असर्शन ऑफ व्हाट अ कोर्ट शुड डू व्हेन द रूल ऑफ लॉ इज डेमोलिश्ड बाय स्टेट इज अ वेलकम वन, तो ये जो स्टेप लिया गया है जो कोर्ट के द्वारा उसको वेलकम बताया ऑथर ने, कि ऐसा कोई भी स्टेप जहाँ पे जो जब रूल ऑफ लॉ डेमोलिश हो रहा है उसके अगेंस्ट जो असर्शन दिखाया है कोर्ट्स ने, वो एक वेलकम है, क्योंकि वही है जो रूल ऑफ लॉ है उसको कहीं ना कहीं रीएस्टैब्लिश करने में या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके इफेक्टिवनेस को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑथर ने कोट भी किया है लॉर्ड एक्टन्स का, जो उनके पिले में जो था कि वो कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है ना, ये तो नॉर्म अक्सर कोट किया जाता है। आगे देख लेते हैं, ऑथर ने फिर ये कहा, एंड इट इज टाइम द हाई कोर्ट्स स्टेप्ड अप टू परफॉर्म द स्टीलर रोल गिवन टू देम बाय द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पावर ग्रेटर देन द करस्पोंडिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 226 क्या करता है, यहाँ पे आर्टिकल 26 जो है वो हाई कोर्ट के पास अवेलेबल होता है, वहीं इसके पैरेलल जो है आर्टिकल 32 जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि इसके थ्रू जो भी फंडामेंटल राइट्स है अगर उनका वायलेशन होता है तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जो है वो जारी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये था। और दूसरा ये भी है कि जो हाई कोर्ट्स का जो ज्यूरिडिक्शन है इस कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, वो ये है कि जो आर्टिकल 26 है उसने ज्यादा पावर दे रखे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जो है रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो अगर कोई और भी राइट जो है वायलेट हो रहा है अदर देन फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर कोई वायलेट हो रहा है तब भी जो है वो रिट जारी कर सकते हैं, तो उसका यूज करने के लिए ऑथर यहाँ पे जो है एक तरह से बोल रहे हैं। इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो हालांकि पॉलिटिकली तो ड्रिवन है, ऑथर ने यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया है कि जो एनएसओ ने डाटा प्रेजेंट किया सिंस 2014-15 आर इंपॉर्टेंट फॉर ए रियलिटी चेक। पहला तो ऑथर ने बताया कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की सिंस 2015-16 वो एनुअली डिक्लाइन करती हुई देखने को मिली है। दूसरा उसने ये बताया है कि अगर 2014 से हम रिकॉग्नाइज करें तो जो रियलिटी में जो अचीवमेंट हुआ है ग्रोथ रेट का वो सिर्फ हिंदू ग्रोथ रेट हुआ है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो थी एक टर्म दी जाती है जो कि 1950-77 के पीरियड में जो है ग्रोथ रेट जो जीडीपी की थी उसको जो है टर्म ये दी गई थी, हिंदू ग्रोथ रेट। फिर तीसरा जो ऑथर ने बताया है यहाँ पे, ऑथर ने बताया कि कुछ जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो रही थी पहली बार जो बढ़ी है ऑथर ने एक अकॉर्डिंग वो ये है कि 6% रही थी, 6% से 8% के बीच रही है ओवर 15 ईयर पीरियड 1991-96 से और फिर 2004 से 2014 के बीच विद यूजुअल साइक्लिक अप्स एंड डाउन्स। तो ने तीन यहाँ पे जो है ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पे डाटा को जो है वो साइट किया है। ये आपको ध्यान जरूर रखना कि जब भी आप आईटोल पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पर्सन को जरूर देखिए और आप उससे आइडिया लगाइए कि ये आर्टिकल आपको एज इट इज पॉइंट नहीं उठाने होते हैं कभी भी, आपको सिर्फ समझना होता है उसमें से। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेप्स क्या सजेस्ट किया तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स है उनको देख लेते हैं। तो ऑथर सजेस्ट करेगा कि हमको जो है
स्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसीज और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिर से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है इकोनॉमिक एक तरह से पॉलिसी को। और स्ट्रक्चरिंग का मीनिंग जो ऑथर ने यहाँ पे दिया है, इट इज अ क्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विल बी एंड प्रायोरिटीज दैट शुड बी असाइंड टू द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें जो हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको देखना है और हमें क्लियर इंप्लीमेंटेशन हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है ना। देयर ऑट टू बी अ स्ट्रेटजी ऑन व्हाट शुड बी इंसेंटिवाइज एंड व्हाट शुड बी डिलीटेड और डिसकंटिन्यूड। हमारा क्लियर ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें इंसेंटिवाइज किस चीज को करना है और किस चीज को डिसकंटिन्यू करना है, ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है। फिर ऑथर ने यह भी कहा है कि इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अर्जेंटली। अर्जेंटली जरूरत है कि हमें एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए ऑथर को करनी। इट्स नीड टू बी अ पॉलिसी दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटीज हैव अ स्ट्रेटजी टू अचीव टारगेट्स एंड स्पेल आउट एन इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान्स टू फाइनेंस पॉलिसी। तो ये तो अच्छे पॉइंट्स ऑथर ने यहाँ पे बताए कि हमको क्लियर टारगेट्स की जरूरत है, एक इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान की जरूरत है जिससे फाइनेंस पॉलिसी जो है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी डिजाइनिंग जो है वो तय हो सके, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने यह भी बोला है कि मार्केट सिस्टम इज नॉट ए फ्री फॉर ऑल और एन एडहॉक मेजर, ठीक है ना। इट हैज ए स्ट्रक्चर विद रूल्स फॉर ट्रांजेक्शंस। फिर ऑथर ने यहाँ पे डीरेगुलेशन की बात किया कि डीरेगुलेशन शुड ऑल्सो नॉट मीन दैट वी रिजेक्ट गवर्नमेंट। डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बिल्कुल ही खत्म कर दें, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो रहना चाहिए, कहाँ कहाँ रहना चाहिए ऑथर के अकॉर्डिंग, सेफ्टी नेट्स, अफर्मेटिव एक्शन और मार्केट फेलियर एंड क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन वो जरूरी है। तो ऑथर ने भी कहा कि डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन को बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव टू बी एम्पावर्ड टू गार्ड अगेंस्ट पब्लिक डिसऑर्डर अराइजिंग फ्रॉम रैपिड डीरेगुलेशन, ठीक है ना। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि जो इस तरह के जो रैपिड डीरेगुलेशन से जो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है उसके उसको जो है वो उसके अगेंस्ट सिक्योर कर सके। ट्रेड ऑफ बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड डीरेगुलेशन एंड द सेल ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट्स इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू अफर्मेटिव एक्शन एंड इजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नेट आर एसेंशियल टू क्रिएट अ स्टेक फॉर द पुअर इन द सिस्टम। तो जो पुअर्स है या अंडरप्रिविलेज्ड है उनको जो है उनका स्टेक अगर आपको सिस्टम में बढ़ाना है तो उसके लिए ऑथर ने जो ये स्टेप सजेस्ट किए हैं कि ट्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर और डीरेगुलेशन के बीच आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उनका सेल उनकी जो सेल कर रहे हैं जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, इजी एक्सेस और सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट की, तो इन सब से जो है ये स्टेक जो है पुअर का वो बढ़ाया जा सकता है। एंड दिस विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन कॉम्पिटिटिव सिस्टम विच विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्टीशिप फिलैंथ्रोपी एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू लेजिटिमेट प्रॉफिट मेकिंग स्मूथली विच ड्राइव्स द मार्केट सिस्टम। और इस तरह के ये जो स्टेप सजेस्ट किए गए हैं उनसे जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं घटेंगी एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड हारमोनियस सोसाइटी, ऑथर ने इसके साथ ये कंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी इसमें बताए गए हैं उनको हम देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो में एक्चुअली जो सुसाइड्स हो रहे हैं आजकल जो हाईली अप्रिशिएटेड IIT इंस्टीट्यूट हैं उनके रिगार्डिंग ऑथर ने यहाँ पे कंसर्न जताई है। कुछ डाटा जरूर साइट किया जिसको आप याद रख सकते हैं कि जो डाटा टेबल हुआ था राज्यसभा में रिसेंटली उसमें बताया था दैट 8139 स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू OBCs एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ IITs ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 ईयर्स में जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लोग हैं जैसे कि OBCs या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के उनमें से 8139 स्टूडेंट ने जो है ड्रॉप आउट किया था। राज्यसभा में एक और क्वेरी आई थी कि सुसाइड से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 2018 में 21 सुसाइड्स थे इंस्टीट्यूशंस जो हायर लर्निंग के उनमें, वहीं 2019 में 19 थे, 2020 में कोविड पेंडेमिक की वजह से वो कम देखने को मिले थे और सिर्फ 7 थे, उसके बाद 2021 में भी वो 7 रहे लेकिन फिर जैसे ही कॉलेज रीओपन हुए तो उसके बाद ये नंबर फिर से बढ़ गया और 24 हो गया और इस साल जो है वो 20 सुसाइड्स के केसेज हैं। तो ये एक कंसर्न का विषय जो है ऑथर ने यहाँ पे जताया है, ठीक है ना। और जो सेक्शन है ठीक है ना नेशनल NCERB के डाटा को भी यहाँ पे जो बताया कि जो इसमें से ज्यादातर जो है सुसाइड्स के जो केसेज है उनमें से एडल्ट जो है काफी ज्यादा है, यंग एडल्ट, और वो 8% लगभग कॉन्ट्रीब्यूशन उनका जो इसमें से जो ये सुसाइड्स हुए हैं टोटल में से 8% जो है वो यंग एडल्ट्स थे, ठीक। फिर ऑथर ने यह भी बताया कि 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम SC/ST OBC कैटेगरी हैव एंडेड देयर लाइफ्स इन IIT ओवर द लास्ट 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू डाटा टेबल इन द राज्यसभा। जो राज्यसभा डाटा टेबल उसमें से 7 जो स्टूडेंट्स थे वो SC/ST या OBC कम्युनिटी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, ठीक है।
ये लास्ट में उतने का है, इट इज नॉट क्लियर व्हाट द पार्ट टू स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स आर बिसाइड नोटिस बोर्ड एंड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एज दिस एक्सपेंशन हैपेंस, कि आपने इंस्टीट्यूशंस बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, आपने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट भी वहां पे बढ़ाया है, इंस्टीट्यूशंस में उनकी सीट्स बढ़ाई हैं, लेकिन आपने जो स्टूडेंट के सपोर्ट सिस्टम के लिए जो आपको प्रोवाइड किए गए थे इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें आपने कोई भी ऐसा एनहांसमेंट या कोई और जो सपोर्ट सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं करने को देखने को मिला है। ठीक है, आगे न्यूज देख लेते हैं। तो जो चेंजेस हुए थे उस पर फिर से आते हैं, जो अभी आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस किए गए हैं। तो जो इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम लिमिट थी चार्जशीट फाइल करने की, उसको जो है अब पुलिस के पास 90 दिन का टाइम रह गया कि पुलिस जो है 90 डेज के अंदर जो है उनको चार्जशीट फाइल करनी होगी, और वो एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज तक, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो मतलब मैक्सिमम आपको 180 डेज में जो है चार्जशीट वो आपको अब फाइल करना कंपलसरी हो गया है। फिर उसके बाद ये भी बताया कि अगर इसमें जो अगर वो 180 डेज में नहीं फाइल करते हैं, तो जो है जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको जो है 120 डेज के अंदर अंदर अगर वो नहीं करते, एक्शन नहीं होता, तो ये मान लिया जाएगा कि द प्रोसिक्यूशन इज डीम्ड टू बी परमिटेड। मतलब या तो प्रोसिक्यूशन ग्रांट किया जाए विद इन 120 डेज, जो भी ऑफिसर्स हैं या पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिन्होंने मतलब चार्जशीट नहीं फाइल की थी, या फिर वो डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसमें जो है उन पे एक्शन प्रोसिक्यूशन जो है वो चलाया जा सकता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये भी कहा कि जो सर्च और सीजर की एक्टिविटीज होगी उनकी वीडियोग्राफी कंपलसरी कर दी गई, और अगर वीडियोग्राफी नहीं होती है तो जो चार्जशीट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी विदाउट वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर। उसके बाद रेमिशन के जो रूल्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेज किया गया, ताकि जो पॉलिटिकल क्लाउट है उसको घटाया जा सके, और जो इक्वल ट्रीटमेंट पे उनको लाया जा सके, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले क्रिमिनल्स को भी और जो नॉर्मल पब्लिक जो बाकी अदर क्रिमिनल्स हैं उनको एक ही ग्राउंड पे जो है वो लाया जा सके। तो उसमें कुछ जो रेमिशन के जो वो थे क्लॉज, उनमें चेंजेस किया गया था, जैसे कि डेथ सेंटेंस को जो है कैन ओनली बी रेमिटेड टू लाइफ सेंटेंस, और लाइफ सेंटेंस कैन बी रेमिटेड ओनली अप टू 7 ईयर्स, ये दो चेंजेस है। फिर 7 ईयर्स इंप्रिजनमेंट कैन बी वेव्ड ऑफ ओनली अप टू 3 ईयर्स, तो ये तीन ब्रॉड चेंजेस है कि डेथ सेंटेंस को जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट पे रेमिट कर सकते हैं, लाइफ को जो है आप 7 ईयर्स तक कर सकते हैं, और 7 ईयर्स वाले को आप 3 ईयर्स तक मैक्सिमम जो है रेमिट कर सकते हैं। तो रेमिशन में भी ये चेंजेस लाए गए हैं थोड़े से। और जो चेंजेस है वो ये है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉ है उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, यूएपीओ के रिगार्डिंग या मकोका जो एक्ट है उनके रिगार्डिंग कोई चेंज जो है वो नहीं बताए गए हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं है। यूएपीए हमने पहले भी डिस्कस किया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और मकोका जो है वो है हमारा महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, तो इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। दूसरा जो सीबीआई को जो गवर्न कर रहे हैं एक्ट, उनमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है जो रिसेंटली अमेंडमेंट लाए हैं उनसे, ठीक है ना। जो दूसरा मेजर चेंज है वो ये है कि जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया गया था, जहां पे आप विदाउट रेस्पेक्ट टू ज्यूरिडिक्शन आप एफआईआर फाइल कर सकते हैं, उसको जो है कोडिफाई कर दिया गया है इस बार के लॉ में। फिर एक नया सेक्शन और जो है ऐड किया गया था रिगार्डिंग अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम, यहाँ पे ये पावर दी गई है जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है वो एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर सकता है बिफोर द कोर्ट कि जो प्रॉपर्टी जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू जो उसने अप्रोप्रिएट की है उसको जो है कन्फिस्केट किया जा सकता है, उससे जो विक्टिम है उसको कंपनसेट कर किया जा सकता है, ठीक है ना। और मॉब लिंचिंग से रिगार्डिंग भी जो प्रोविजन दिया गया है कि इट हैज बीन इंक्लूडेड फॉर मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट एंड कम्युनिटी एटसेट्रा, और इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ तक जो है वो कर दी गई है, ठीक है ना। मिनिमम 7 ईयर्स और मैक्सिमम जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस जो है इसमें किया गया है मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग में अगर मर्डर आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट या कम्युनिटी एटसेट्रा। और एक नया प्रोविजन जो है स्नैचिंग से रिलेटेड भी दिया गया है फॉर क्राइम सच एज चेन स्नैचिंग, अगर उससे कोई सीवियर इंजरी होती है विच लीड टू इनकैपेसिटी और परमानेंट डिसेबिलिटी, तो उसमें जो है ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो उसके प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। असम डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन रीनेम सम सीट्स इन फाइनल रिपोर्ट, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो असम में बिठाया गया था कमीशन, उसने जो है अपनी रिपोर्ट में जो है कुछ जो पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उनके नाम चेंज किए हैं, तो थोड़े से जो एक आध चेंज देखे हैं वो बता देते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिलिमिटेड बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो डिलिमिटेड की है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। नंबर ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सेम रही है अनचेंज टू 126 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो 14 है और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 126 है आसाम में, ठीक है। ऑल टुगेदर 19 असेंबली अप फ्रॉम 16 अर्लियर एंड 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन रिजर्व फॉर एसटी,
तो जो एसटी के लिए पहले 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी उनको बढ़ा के 19 कर दिया गया है, और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो 2 है, ठीक है, एसटी के लिए। वहीं अगर एससी की बात करें तो जो असेंबली सीट्स रिजर्व फॉर एससी थी उनको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, वो 8 से बढ़ा के 9 कर दी गई है। और जो एक करीमगंज लोकसभा सीट थी उसको जो है चेंज करके अब जो एडजॉइनिंग सिलचर है उसको जो है अवार्ड किया गया है, ठीक है। बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो है नाम वगैरह चेंज किए गए हैं। सो ये इसी में बस यही इंपॉर्टेंट था, आगे देखते हैं। यस, जून इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लोज डाउन टू 3.7%। तो जून में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो आईपी इंडेक्स जो जिसके थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी जाती है, वो स्लो डाउन हुई है 3.7% पे जो है वे रही है। तो यहाँ पे मेन हाईलाइट ये है कि वाइडिंग स्लो डाउन इंडस्ट्रियल ग्रोथ इजेज टू द स्लोएस्ट पेस इन 3 months एज मैन्युफैक्चरिंग वीकन्स ऑन अकाउंट ऑफ टेपिड कंज्यूमर डिमांड। तो जो कंज्यूमर डिमांड घट रही है उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी वीकन वो भी कमजोर हुई है, घटी है, इस वजह से जो है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विच हैड रिकवर्ड टू पोस्ट इट्स फर्स्ट अपटेक इन 6 months इन मे रैंक 6.9% इन जून। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उनमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है जून में 6.9% से। एज मेनी एज 14 ऑफ द 23 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्टेड इन जून। 23 में से 14 जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो डिक्लाइन हुए हैं, वाइडनिंग फ्रॉम 12 सेक्टर्स इन मे, और जो ये मई में थे वो 12 थे, अब बढ़ के 14 हो गए हैं, ठीक है। यही यहाँ पे है बस, बाकी देख ले। इंडिया फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एमडीबी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस की बात चल रही है। G20 कॉन्फ्रेंस जो G20 प्रेजिडेंट हम होल्ड कर रहे हैं उसमें जो है ये बात की गई है कि, और ये बताया कि एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग एमडीबी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हैड बीन सेटअप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में जो है इसको सेटअप करने की वो की गई है। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अनदर इशू इज डिस्कस्ड इन G20 फाइनेंस टास्क फाइनेंस ट्रैक वाज द एस्केलेशन ऑफ डेट इश्यूज इन वल्नरेबल इकोनॉमीज विच पोज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिस्क। तो जो वही कल भी बात की थी हमने कि जो डेट इश्यूज चल रहे हैं वल्नरेबल इकोनॉमी में, चाहे वो डेवलपिंग हो या मिडिल इनकम कंट्रीज हो, तो उन वो भी एक तरह से जो ग्लोबल लेवल पे जो है इकोनॉमिक है उसको जो है रिस्क पोज कर रहे हैं, तो वहां पे उस वो भी इशू जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, G20 फाइनेंशियल फाइनेंस ट्रैक पे, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ा है 17.3% से एज ऑफ अगस्त 10। तो ये अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। आगे देखते हैं, मऊई वाइल्ड फायर्स आपको याद रहे, मऊई जो है वो आपका हवाई में है, हवाई रीजन में है मऊई, यहाँ पे जो है वाइल्ड फायर्स जो है अभी न्यूज में थी। आगे देखते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में एक देखना ये है कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया है, जापान को हराने के बाद इंडिया जो है एशियन चैंपियनशिप जो हॉकी की है उसमें फाइनल में पहुंच गया है, और अब वो वहां पे मलेशिया को साथ जो है वो फाइनल में समिट क्लैश करेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज न्यूज एनालिसिस। होप आपको ये पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इसी तरह से हम न्यूज एनालिसिस भी इसमें डाला करें, या फिर हम अपना डिस्कशन जो है वो एडिटोरियल तक ही सीमित रखें। तो थैंक यू, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल के आउटरीच को बढ़ाइए।